अच्छा नेक्स्ट, आर्यन से मैं बाद में सुनूंगा। दिव्यांशी सुना दी, हिमांग ने सुना दी, हितेश, हितेश यस सर, हितेश साथ में कौन है? सब मम्मी पापा दोनों। अच्छा सही है। हितेश पहला क्वेश्चन है तेरा, आइडियल सॉल्यूशन का जो कर्व बनाते हैं ना, उसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा और उसका स्लोप क्या होगा, ये बता दे। आइडियल सॉल्यूशन का जो कर्व बनाते हैं उसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा और उसका स्लोप क्या होगा, अगर तू ये बता देता तो तूने चैप्टर ढंग से पढ़ा है इसका। आइडियल सॉल्यूशन में तो वो आ जाए ना, पी इज इक्वल्स टू एक्स ए मल्टीप्लाई पी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो इसमें बहुत अच्छे, वाई हो जाएगा हमारे पास पी नॉट बी, वाई इंटरसेप्ट हो गया पी नॉट बी, और स्लोप कितना है? और स्लोप हो जाएगा इसमें पी 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 नॉट ए माइनस पी नॉट बी। परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अनियंस आर रेफ्रिजरेटेड, प्याज वगैरह को काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्यों करते हैं ऐसे? वाई अनियंस आर रेफ्रिजरेटेड बिफोर कटिंग। क्योंकि अनियंस को अगर हम रेफ्रिजरेट करेंगे तो मतलब जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से जो वेपर जब हम उसको काटेंगे तो उस अनियंस में से वेपर्स कम निकलेंगे, जिससे कि टियरिंग इफेक्ट कम होता है। एक लाइन में बोलना ना, देख, टेम्परेचर डिक्रीजेस सो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस सो देर विल बी लेस चीयरिंग इफेक्ट, क्लियर है कि नहीं? हाँ, यस सर, तूने ढंग से पढ़ा है, तूने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ता रहा ढंग से, बोर्ड का तो काम हो जाएगा, लेकिन कल वाले टेस्ट में मार्क्स आते हैं तो और अच्छा पढ़ा है तूने। सही है हितेश, यस सर, टेन में से टेन लगाने हितेश के। यस नेक्स्ट अब है हितेश, इशिता, यस सर, इशिता साथ में कौन है? सर पापा हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। इशिता फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इमिसिबल लिक्विड्स के लिए प्रेशर सर, कैसे होगा? जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर, इसको मैंने मिक्स कर दिया, यस पार्शियल सर। प्रेशर क्लोरोबेंजीन का क्या होगा? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू टोटल प्रेशर। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है शोइंग नेगेटिव डिवीजन और शोइंग पॉजिटिव डिवीजन, दोनों में डिफरेंसेस बताओ चार चार जल्दी से। एक सेकंड सर, AB बॉन्ड जो है वो नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रांग हो जाएंगे और पॉजिटिव डेविएशन में वीक हो जाएंगे, और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव, और पॉजिटिव डेविएशन में होगा मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप और नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। बिल्कुल सही है। एजिट्रोप की एग्जांपल दे दो दोनों की। सर सर वो नेगेटिव डेविएशन में तो सर पॉजिटिव डेविएशन में 95.6% इथेनॉल इन वाटर, और नेगेटिव डेविएशन में 68% HNO3। चलो सही है, अटके क्यों तुम इसमें, सर अटकना नहीं है ना वो बिल्कुल भी। पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ ये चीज ध्यान रखना इसका गलत। हाँ चलो सही है, तुमने थोड़ा टाइम लिया लेकिन और थोड़ा सा इजी है, कल वाले टेस्ट में भी ऐसे ही मार्क्स लेके आना, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। सही है ना, ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, ये तो सिर्फ फॉर्मूले एग्जाम पता है ना। सर हाँ इसके जी यार 10 में से 10 लगाना है इशिता के। यस नेक्स्ट जी यार तुम बताओ। यस हाँ जी यार फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान सुनना बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट, क्या रीजन सर, क्योंकि जब कॉमन सॉल्ट डालेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिससे कि जो बैक्टीरियाज होंगे उनमें मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो वो मर जाएंगे। है? अगर तुम ये लिख के एंड आओगे ना द पेपर में, तुम्हारा एग्जॉस्ट बिल्कुल व्हिच सही इज है। हाँ ये तुम्हें अगर ये नहीं बोला, और सॉल्यूशन का नाम क्या बोला था तुमने, कौन सी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? बिल्कुल सही, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है? सर, जिसमें जो जिनका जो मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है अदर सॉल्यूशन से। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड
पोटेशियम फेरोसाइनाइड 50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जी। साथ में कौन है तुम्हारे? सिर्फ अभी सिर्फ कोई नहीं है, सिर्फ फूफा जी बाहर है, मैं उनको बुला लेते हैं 1 मिनट। नहीं जी, तुम्हें पता है ना, जब तुम्हें इतनी बार मैंने बोल रखा कि पेरेंट्स साथ में, जी तुम अपने मार्क्स मत लगाना फिर। नेक्स्ट, सर वो बाहर सिर्फ फैमिली कोई आया हुआ है बाहर, तो मैं उन्हें बुला नहीं पाई, उनके तुम अलावा एक कोई एक है बात, भी नहीं। तुम्हें दिख रहा है ना सीक्वेंस में कि तुम्हारा नंबर आ गया है, तो उस समय तो तुम पेरेंट्स को बुला के रखूंगा ना साथ में। सॉरी सर, मैं अभी बुला लेती हूँ फिर। अच्छा रुक जाओ तुम 2 मिनट। यस सर। नेक्स्ट काजल, मम्मा काजल साथ में कौन है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। काजल तुम्हारा क्वेश्चन सुनना काजल, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, रोल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ऐसा क्यों बोलते हैं? एक्सेप्ट फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोथ आर सेम। फॉर्मूले बस ये लिख क्या होगा पेपर में? पी रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ में पी ए इक्वल्स टू एक्स ए के एच, और फिर रॉल्स लॉ में पी ए इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ए। हाँ, एक्सेप्ट फॉर देयर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोथ आर सेम, कौन सा ब्रॉडर लॉ है कौन सा स्मॉलर लॉ है? सर रॉल्स लॉ ब्रॉडर लॉ है बिकॉज इट्स यूज फॉर बोथ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और हेनरी लॉ और क्या? स्मॉलर है। डिफाइन डिफाइन करो एडिमा। एडिमा सर, स्वेलिंग ऑफ टिश्यू ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, केबी का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बताओ जरा, केबी का फॉर्मूला पूरा। के बी इक्वल्स टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, वेयर आर इज गैस कॉन्स्टेंट और टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। परफेक्ट है, काजल के भी 10 में से 10 लगाने जी। हाँ काजल के भी 10 में से 10 है। क्रेश, यस क्रेश, क्रेश तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। क्रेश सर, साथ में कौन है? नमस्कार हाँ सर 2 मिनट के लिए साथ में रहना बच्चे। सर। मर्कुरस नाइट्रेट, हाँ मर्कुरस नाइट्रेट वैल्यू क्या होगी, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? नाइट्रेट फॉर्मूला ये फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने और पता होना चाहिए तेरे को फॉर्मूला ये। सर टू होगी नहीं मर्कुरस ऐसा, नाइट्रेट अभी मैंने सॉरी फर्स्ट, सॉरी जी जी होगा जी, टू एच जी टू एच एन ओ जी टू नेगेटिव। हाँ NO3 नेगेटिव यस एन ओ जी टू नेगेटिव। सही है। नेक्स्ट बता KF और KB की वैल्यू क्या होती है वाटर के लिए? के लिए KF 1.86 और KB होता है 0.052। गलतियां कर रहा तू, 0.52 नहीं था, सर 0.52 था कि नहीं? वेंट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले, हाँ कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी और एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही। जी 10 में से 9 लगाने। यस नेक्स्ट मनन, यस सर। मनन साथ में कौन है? सर मम्मी है। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम। मैम 2 मिनट साथ में रहना बच्चे के। हाँ जी। मनन तेरा पहला क्वेश्चन है, 1 एटमॉस्फेयर जो है ना इसकी सारी कन्वर्जेंस बता दे, 1 एटमॉस्फेयर की सारी कन्वर्जेंस, कोई भी मिस होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
दोबारा बोल दूंगा, 1.0013 × 10⁵ हाँ पास्कल हाँ अगला इक्वल टू 1.013 bar. बहुत अच्छे, और कौन सी थी, टॉर इक्वल टू 1.013 × 10⁵ टॉर, 1.013 × 10⁵ टॉर, यही कह रहे ना? यस सर. मनन अगर ऐसे पड़ेगा ना फिर बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि तो ये क्वेश्चन इजी है, टफ है, इजी है सर. इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, और टॉर में ये यस सर. टॉर में वैल्यू होती है, इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इज मीटर इक्वल स्क्वायर. टू 760 mm, और टॉर यार आ गया कि नहीं, यस सर. इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू 76 cm ऑफ एच जी, अच्छा. समझ गया कि नहीं? यस सर. ये तो गलत नहीं होनी चाहिए ना वैल्यूज। यस सर. चल दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज, दोनों में रिलेशन क्या है? सर अच्छा, एक्स एक्स वाई. अच्छा वाई बी अपॉन वाई, वाई बी अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू में पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए. ये देख ले एक बार, उल्टा बोल दिया तो कोई नहीं. मन नहीं चाहिए ना, नहीं सर, पी नॉट बी ऊपर है, पी नॉट ए नीचे है, क्योंकि वाई बी और एक्स बी ऊपर है. पी नॉट बी ऊपर, पी नॉट बी, पी नॉट ए नीचे, यही ना? यस सर. तो पता, अब तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है इसके अंदर, इसमें मतलब कंफ्यूज क्यों हो सर, रहा है तू? मतलब जैसे इसको तू हमेशा फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, वाई अपन वाई भी करते हैं. हाँ करते हैं ना, और अब देख इसमें तू कंफ्यूज हुआ ना हल्का सा, इसीलिए कि तू पी नॉट ए सो सर पहले बोल मैं, गया, फिर बाद में तूने चेंज किया, सर असल में जल्दबाजी में मतलब वाई भी पहले बोल रहे थे, इसलिए उसके हिसाब से जल्द मॉडिफाई तेरे कर को, दिया. अच्छा तेरे, सुन सुन तेरे को पता ना जल्दबाजी में तू गलत करता है, यस सर. तो जल्दबाजी क्यों कर रहा है फिर? और तू तू मनन मेरी बात मान, रिपीट नहीं करेगा ना प्रॉपरली फिर गड़बड़ हो जाएगी, सही है? यस सर. लास्ट क्वेश्चन, 50% ट्राइमराइजेशन हुआ है वेंट ऑफ एक्टर की वैल्यू, 50% ट्राइमराइजेशन, हाँ वेंट ऑफ एक्टर सर की सर वैल्यू, सर 2 मिनट सर, मतलब फॉर्मूला याद है, निकाल रहा हूँ. 100% के लिए क्या होगी? वन एक काम कर, आंसर मत निकाल, तू मेरे को सिर्फ फॉर्म बता दे, माइनस अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बन एन होगी, एन 3 है, अल्फा 50% 0.5 हो जाएगा. 1 मिनट, तूने बोला आई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. अल्फा बाय एन अपॉन वन है यस ना, सर. अब मैंने ट्राइमराइजेशन बोला ना, तो फिर क्या होगा? तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 100% के लिए अल्फा 1 हो जाएगा, और 50% के लिए अल्फा 0.5 हो जाएगा. सही है, सही है, 10 में से 8 मार्क्स, मनन के 10 में से 8 जिया, कंफ्यूज यस मत हो बिल्कुल भी मनन। नेक्स्ट यस सर. मनीष, मनीष यस सर. मनीष साथ में कौन है? सर मम्मी है. बात करा दे, हाँ मैम 2 मिनट साथ में बैठना इसके, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ मनन, ये मनन कह रहा हूँ, ये मनीष तेरा पहला क्वेश्चन है, वाई कॉपर फेरोसाइनाइड इज नॉट यूज इन नॉन एक्वस मीडियम एज ए सेमी एज एस पी एम, सॉल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर. वाटर के अंदर नॉन एक्वस मीडियम में बोलेगा ना, नॉन एक्वस मीडियम में कह रहा हूँ, नॉन एक्वस मीडियम नॉन एक्वस मीडियम में सॉल्यूबल हो जाता है इसलिए, सही है? हाँ में. यस सर. ये ध्यान रखना इसका, भूलना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा, अगर हमने प्रेशर, ये क्या नाम है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यस सर. क्या ऑस्मोसिस बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर सर? बढ़ाया हमने तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा?
इंक्रीज होगा। रीजन तो सर इसका फॉर्मूला होता है ICRT, हाँ, इसमें तो पी टेम्परेचर डायरेक्टली टाइम। पूछो, हाँ डायरेक्टली पूछो, तो टी बोलना था ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा, ये कोई एक कंपोनेंट है, एन कंपोनेंट से टूट गया, आई की फॉर्म क्या होगी बेंटो फैक्टर की? सर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय, बोल, डिवाइड डिवाइड बाय 1। यस बाय 1। हाँ बिल्कुल सही सर। है। हाँ, मनीष के 10 में से 9, 10 में से 9 लगाने मनीष के। जी हाँ यस मनीष, ऐसे ही उसमें भी करेगा ऑब्जेक्टिव में तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है, पता ना टेस्ट। नेक्स्ट यस सर। नवीन, हाँ नवीन, यस हाँ नवीन, साथ में कौन है? सर। मम्मी। हाँ जी सर, मम्मी मैं बैठी हूँ साथ में। हाँ 2 मिनट मैम, साथ में रहना इसके। हाँ हाँ जी क्वेश्चन सर। है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा नवीन। हाँ यस। तेरे को बताना है, एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? व्हाई एजोट्रोपिक मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड? सर क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेस और लिक्विड फेस में सेम रहता है और एक आध पॉइंट और बोल, सही आंसर तेरा। सर। वो मोल फ्रैक्शन सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, उसमें दोनों का दोनों मिक्सचर का सेम रहता है, तो उसको बॉईल करेंगे तो वो पूरा बॉईल हो जाएगा। एक फेस पे सेपरेट मिक्सर का रहेगा बोल ना, दो दोनों मिक्सर मत बोल, मिक्सर का बोल सर। सर। यस। दोनों के दोनों लिक्विड एक टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, क्लियर है? यस हाँ तेरा पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लोबल सॉल्ट विद राइज इन टेम्परेचर। सर। इसमें क्या बताना है ये क्वेश्चन पूछ तो लिया, सॉल्युबिलिटी क्या, क्या पे क्या इफेक्ट होता है ग्लोबल सॉल्ट की विद राइज इन टेम्परेचर? सर? इट फर्स्ट इंक्रीजेस विद वो अंटिल 32.4 डिग्री सेल्सियस, देन डिक्रीजेस विद एक्सोथर्मिक इफेक्ट। बिल्कुल सही है। बता कौन सी ऐसी सॉल्ट्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है विद राइज इन टेम्परेचर? सर Li2CeCsSO4, Li2SO4 अच्छा, और सर ले जाते दो। कार्बोनेट था बताया था ना, कुछ कार्बोनेट और कुछ सल्फेट और एक कैल्शियम एसीटेट, याद हो बताया था ना एग्जाम्पल से। चलो यस नवीन सही है, 10 में से 9 लगाने हैं नवीन के भी। yes. नेक्स्ट सचित, यस सर। सचित, यस सर। सचित साथ में कौन है? मम्मी है। अच्छा तेरा पहला क्वेश्चन है, K4FeCN6 प्लस FeCl3 क्या बनेगा? और कौन से कलर का होगा? बोल सचिव। सर K4 नहीं, सचिव गलत बोल रहा है, तो देखते ही बोला ना आंसर, ये क्रॉस कर इसको, सिंपल देख, ये क्रॉस कर, 4 माइनस, ये हटा, 3 प्लस, क्रॉस कर दे, आंसर आ गया Fe4FeCN6 सोल्ट्राइज प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसपेड, याद आ गया कि नहीं? फिर प्रशियन ब्लू कलर का। यही बोल देता एटलीस्ट, क्या लगता है कुछ तो पढ़ा हुआ तूने, अभी तो गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट बता, कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी अप्लाइड। इसकी एप्लीकेशन इन डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। सर बिल्कुल सही है, 10 में से 7। जी हाँ 10 में से 7। नेक्स्ट सोम्या, सोम्या यस सर। साथ में कौन है?
सर दीदी। अच्छा सही। हाँ सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? सर डिफ्यूजन तो रैंडम मिक्सिंग ऑफ होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस मूवमेंट होता है सिर्फ सॉल्वेंट की, डिफ्यूजन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ऑस्मोसिस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन में एसवीएम नहीं होता और ऑस्मोसिस में एसवीएम होता है, और डिफ्यूजन में हाई कंसेंट्रेशन मूवमेंट जो होती है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन होती है, पर ऑस्मोसिस में लो टू हाई। सर चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के नाम बताओ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आरएलबीपी और ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार और बोल दो। हाँ सर दोबारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आरएलबीपी और ऑस्मोटिक प्रेशर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन थोड़ी होता है ब्रीदिंग पॉइंट। सॉरी डिप्रेशन फ्रीजिंग। फिर चलो सही। जी आर 10 में से 9 सौम्य के। यस वैभव, यस सर, वैभव साथ में कौन है? सर मम्मी। हाँ वैभव, क्वेश्चन है तेरा फर्स्ट। मान ले मैंने यूरिया को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, सही ना? यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर विच डिक्रीजेस इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%। फॉर्मूला कौन सा लगेगा और वैल्यू पुट कर दे बस। बोल वैभव। सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? मैंने बोला जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तुमको, तो यूरिया इज डिजोल्व इन वाटर विच डिक्रीजेज इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%। सही है? तो तू अब इसमें मान ले सर तेरे को मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेगा? सर वो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ वैभव तू क्या बोल रहा है? सबसे इजी क्वेश्चन पूछा तेरे को, सिर्फ फॉर्मूला पूछा ना, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेगा ये बता दे। सर याद नहीं आ रहा। क्यों, इसमें क्या वेपर प्रेशर के दो ही तो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पी नॉट माइनस पी एस वन, पी नॉट इज टू एक्स सोल्यू, याद आ गया कि नहीं? फिर यस सर ये तो, हाँ यही, हाँ यही है सर, ये आरएलबीपी। बाय बाय 80% बोला है, तो दिस वैल्यू इज टू 80/100, बस खत्म हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 80/100। समझा कि नहीं? यस क्लास सर, का क्वेश्चन है, क्लास में कराया ये। फिर यस सर, ये क्यों नहीं आता था? इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बता देना, एक क्वेश्चन और बता। मिनिमम बॉलिंग एज ड्रॉप और मैक्सिमम बॉलिंग एज ड्रॉप के एग्जांपल दे। सर मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स के तो फिनॉल प्लस एनिलीन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स का इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल 95.6%। और उसका मैक्सिमम बॉइलिंग का? सर सर ये मैक्सिमम बॉइलिंग का ही तो है इथेनॉल प्लस वाटर, और उसका मिनिमम बॉइलिंग का फिनॉल प्लस एनिलीन। सारा गलत है वैभव तेरा। मिनिमम बॉलिंग एजोड्रॉप का एग्जांपल है, मिनिमम बॉलिंग का वो है नाइट, और एजोड्रॉप बोल रहा हूँ तो तेरे को एग्जांपल परसेंटेज में देना है, 95.6% इथेनॉल, समझा कि नहीं? और मैक्सिमम बॉलिंग का 68% H2O3, याद आ गया कि नहीं? ये यस सर, फिर अब तूने क्या पढ़ा था सर ये तो तो सही बताया क्या था, ऐसा कोई था? ऑल प्लस वाटर क्या रेक्टिफाइड तूने, स्पिरिट। हाँ तो तूने मैक्सिमम बॉलिंग में बोला ना इसको, मैंने तेरे से दोबारा रिपीट भी कराया, तूने कहा ये मैक्सिमम बॉलिंग का ही, समझा कि नहीं? यस सर, वैभव ढंग से पढ़ाई कर, बिल्कुल फायदा नहीं होगा इससे। जी हाँ 10 में से 0 है इसके वैभव के। नेक्स्ट आर्यन रहेगा ना, आर्यन, सर आर्यन साथ में कौन है? मम्मी है। सर आर्यन तेरा पहला क्वेश्चन है, यस सर जैसे मैंने बोला ध्यान सुनियो क्वेश्चन एक बारी पे।
बेंजीन एंड टोल्यून फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर बेंजीन का 100, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर टोल्यून का 200, सही है एमएम में, एमएम ऑफ एचजी में सही है। आर्यन दोनों के इक्वल मॉलिक्यूल्स मिक्स किए हैं तो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या होगा? दोनों के इक्वल मॉलिक्यूल्स मिक्स किए हैं तो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या होगा? बोल आर्यन। नहीं बता आर्यन। नहीं सर। देख इधर, PB इज इक्वल टू XB इनटू P नॉट B, ये फॉर्मूला बताया नहीं है? और फिर ऐसे ही P बताया टोल्यून का XT इनटू P नॉट P। अब X की XB की वैल्यू तो डायरेक्ट हाफ हो गई क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स हैं, इक्वल मॉलिक्यूल्स मींस इक्वल मोल्स। XB की वैल्यू भी हाफ और XT की वैल्यू भी हाफ। इतना इजी क्वेश्चन था, 50, 100 और 150 आंसर है, समझा कि नहीं? आर्यन समझ आया कि नहीं? यस सर। दूसरा क्वेश्चन है तेरा, दूसरा क्वेश्चन बता मेरे को। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों के एग्जांपल दे। बोल आर्यन। सर ये पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा तूने? ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग का पूछ रहा हूँ चैप्टर के, तू पढ़ गया मेरे को दोबारा सुनाइयो, जिनके जीरो है वो दोबारा सुनाएंगे, सर वाजात को सुनाइयो मेरे को। वैभव क्या की कह रहे हो जिया? सर वैभव की कितने लगाना है? वैभव के जीरो है और आर्यन के भी जीरो है। हिमांग कुछ बोलना है? सर मैं क्लास के बाद एक बार कॉल कर लूँ आपको। हाँ सर बोलिए मुझसे समझिए जी, आप कौन है साथ में? आप सर फूफा जी हैं। चलो, लेकिन बोलना चाहिए ना तुम्हें साथ में, सबके पेरेंट्स साथ में थे, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे बस। सॉरी सर। चलो देखो, हाँ एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछ लिया था, क्या क्वेश्चन पूछा था तुमसे मैंने? सो मीट को मतलब सॉल्ट से क्यों हाँ प्रिजर्व वो करते तुम्हारा हैं? सही था। हाँ वो क्वेश्चन तुम्हारा सही था, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था। मेरे को इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तुमने देखा क्या? सर कौन सा? बेंजीन टोल्यून फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, पी नॉट बी दे रखा है 100 mm, पी नॉट टी दे रखा है 200 mm। तुम्हें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सर मैं 1 मिनट। और अगर दोनों के इक्वल मॉलिक्यूल्स मिक्स किए हैं, सही है जी, है दोनों के इक्वल मॉलिक्यूल्स मिक्स किए हैं यस सर। क्रेश, सर मेरे को भेज देना दोनों। तो नहीं हो रहा है। इजी क्वेश्चन है, देखो इधर इक्वल मॉलिक्यूल्स मिक्स किए हैं तो एक्स बी क्या है? हाफ। एक्स टी भी क्या होगा? हाफ। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब भी नहीं होगा? यहाँ पे कितना हो गया? हाफ इंटू 100। यहाँ कितना हो जाएगा? हाफ इंटू टू हाफ हंड्रेड यस सर। ये कितना आ गया? 50। ये कितना आ गया? 100। अब कितना होगा भाई? बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज 100/50। 100/50 पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय टोटल प्रेशर। ये कराया नहीं क्वेश्चन जी? या नहीं पढ़ रहे तुम ढंग से फिर सर? तब पीवी की वैल्यू कितनी है? 50। टोटल कितना है? 150। 1/3 आएगा कि नहीं? यस सर। फिर ये इजी नंबर नहीं कर पा रहे, कल के पेपर में कैसे करोगे?
सही है, वन यस सर। बाय थ्री आ जाएगा। चलो सही है, एक बार लीव कर देना क्लास। जी तुम्हारे 10 से 5, एक बार सब क्लास लीव कर देंगे। हिमांग तू बोल क्या है, बाकी बच्चे क्लास लीव कर देंगे।